हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्रो ऐप को कैसे यूज करें। साथ के साथ ही मैं आपको यहाँ पे स्टॉक्स को खरीदना और बेचना भी बताऊंगा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा। तो स्टॉक्स को खरीदने और बेचने से पहले आपको कोई एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट जैसे आपका एक बैंक का सेविंग अकाउंट होता है, वैसे ही आपका डीमैट अकाउंट होता है जहाँ पे आपके सारे के सारे जो शेयर्स है वो पार्क किए जा सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट बनाने के लिए केवाईसी डिटेल्स आपको फिलअप करनी होती है। तो ग्रो पे डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपको केवाईसी डिटेल्स फिलअप करने के लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक लाइफ सेल्फी इनको भेजनी होती है एंड विद इन 3 से 4 घंटे के बाद आपका जो डीमैट अकाउंट है वो बन के रेडी हो जाता है। अब डीमैट अकाउंट आपका बन चुका है और आपका अब डैशबोर्ड जो है मेरे डैशबोर्ड की तरह ही देखने को मिलेगा आपको। सबसे पहली चीज आपको डैशबोर्ड पे एक्सप्लोर के नाम से आएगी और साइड में एक डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा। एक्सप्लोर में आपको सबसे पहले मार्केट इंडाइसेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। घबराना नहीं है, मैं आपको बताता चलता हूँ। देखिए, सबसे पहला आपको निफ्टी 50 देखने को मिल रहा है। अब ये निफ्टी 50 क्या होता है? निफ्टी 50 हमारे भारत की 50 ऐसी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनका एक कंपाइलेशन करके इन्होंने बनाया है, उसका नाम है निफ्टी 50 इंडेक्स। तो ये सारे इंडेक्स हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया, ऐसी बैंक निफ्टी कहते हैं जिसमें भारत के 12 बड़े बैंक्स शामिल होते हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली भारत के बड़े बैंक्स में इन्वेस्टिंग करनी है तो डायरेक्टली आप यहां से कर सकते हैं। नीचे की तरफ एक ऑप्शन और आता है टॉप गेनर्स का। टॉप गेनर्स का मतलब ये होता है कि आज के दिन जिन जिन स्टॉक का जो प्राइस है बड़ा है तो वो सारे स्टॉक्स आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे कि टाटा कंज्यूमर है, जायडस है, पेटीएम है, टाटा स्टील है। तो ये सारे स्टॉक का जो प्राइस है आज के दिन बड़ा है। इसी के नीचे आपको स्टॉक इन न्यूज का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, मतलब वो स्टॉक जो आज के दिन न्यूज में यानी कि चर्चा में है, कुछ ना कुछ इन्होंने डिविडेंड पे किया है या किसी ना किसी का कोई अनाउंसमेंट आया है, कोई मीटिंग आई है, तो कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये स्टॉक्स हैं वो न्यूज में है, तो यहाँ से आप वो चीज देख सकते हैं। इसके नीचे आपको टॉप लूजर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। टॉप लूजर्स में वो सारे स्टॉक्स आते हैं जिनका प्राइस जो है आज के दिन कम हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जोमेटो का आज प्राइस कम हुआ है, बंधन बैंक हो गया, HDFC एसेट मैनेजमेंट हो गया, ये सारे के सारे वो स्टॉक्स है जिनका आज के दिन प्राइस कम हुआ है। अगेन, इसके नीचे आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर स्टॉक को वॉच करना है कि वो कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे आ रहा है, तो यहाँ से आप अपनी वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। वॉच लिस्ट बनाना बड़ा ही आसान है, प्लस आइकन पर क्लिक करिए और यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ स्टॉक्स एंड क्रिएट पे आप क्लिक कर सकते हैं और इसमें से आपको जिन जिन स्टॉक को सेलेक्ट करना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो स्टॉक है इन्हें सेलेक्ट करके बैक पे आ सकते हैं और आपकी जो वॉच लिस्ट है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब क्या होगा, आप यहाँ से इन सारे के सारे स्टॉक्स को ट्रैक अप कर सकते हैं। साथ के साथ ही इसके बाद आप जैसे ही अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आपके पास अपने ग्रो में जितना भी बैलेंस है वो दिखाएगा। अगर आप अभी अभी शुरू कर रहे हैं तो आपके 0 बैलेंस दिखाएगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। नाउ ऐड करना बड़ा ही आसान है, आप किसी भी तरह से या तो UPI से या किसी कार्ड की मदद से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और जैसे ही आपने पैसे को आप ट्रांसफर करेंगे वो यहाँ पे यानी कि ग्रो बैलेंस में आपका रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस बड़ा ही क्विक होता है, वहाँ आपने ट्रांसफर करा और यहाँ पे आपका अमाउंट जो है रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, फर्ज करें कि आपको कोई भी स्टॉक अब खरीदना है तो सिंपली आपको स्टॉक का नाम या तो यहाँ पे सर्च कर लेना है, जैसे कि मैं आपको कोई भी स्टॉक खरीद के दिखा देता हूँ, जैसे कि Zomato। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टॉक का नाम ही देखने को मिलेगा, देन उसका प्राइस देखने को मिलेगा, देन उसके नीचे जैसे कि आप ये लाल रंग में देख सकते हैं -4.20, मतलब ये -4 रुपए नीचे गया है इसका प्राइस आज के दिन, मतलब 5% का लगभग इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है। अगर आप इसको ट्रैक करना चाहते हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि पिछले एक साल का डाटा मुझे देखना है कितना परसेंट रिटर्न दिया है, सिंपली आपको एक साल पे क्लिक करना है, 1 ईयर पे क्लिक करना है, आपको दिख जाएगा इसने अराउंड 15.42% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, यानी कि 9.90 रुपए बना के दिए हैं एक्स्ट्रा। साथ के साथ ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो परफॉर्मेंस का एक सेक्शन आता है जो ये बताता है कि आज के दिन इसका जो प्राइस है कितना ऊपर गया है या कितना नीचे गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप टुडेज लो का एक ऑप्शन है जो कि ये बता रहा है कि 73.25 रुपए तक इसका सबसे लोएस्ट प्राइस गया है और एक ऑप्शन है टुडे हाई का, वो बता रहा है कि 78.45 रुपीज तक इसका सबसे ऊपर का प्राइस रहा है, सबसे ज्यादा प्राइस आज के दिन रहा है। इसी के साथ ही थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक्सपर्ट्स रेटिंग भी देखने को मिलेगी जो ये बताता है कि एक्सपर्ट्स को क्या मानना है इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। 31% जो एक्सपर्ट्स हैं वो बाय की रेटिंग दे रहे हैं कि आप अभी इसे खरीद सकते हैं, 4% होल्ड कह रहे हैं कि इसे होल्ड करके चलना है और बाकी की जो 15% है वो कह रहे हैं कि आप इस स्टॉक को बेच सकते हैं। साथ के साथ ही ये जो फंडामेंटल्स है आज हम कवर नहीं कर रहे,
हैं, बिकॉज वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। फंडामेंटल्स हालांकि किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये आपको ये बताता है कि स्टॉक खरीदने लायक है या नहीं, प्रॉफिटेबल बनेगा या नहीं बनेगा। अच्छा, थोड़ा सा आप नीचे चलेंगे तो रेवेन्यू आ जाता है। आप रेवेन्यू में ये देख सकते हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो साल दर साल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, विच इन दिस केस देख सकते हैं साफ साफ इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें, अगर आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आपके पास आ जाता है, तो प्रॉफिट नहीं बना रही है कंपनी, आप खुद ही देख सकते हैं। नेटवर्क, क्या आज वो जो कंपनी है पिछले साल से बड़ी बनी या नहीं बनी, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं साल दर साल ये कंपनी जो है बड़ी बन ही रही है। इसके बाद ही अगला जो ऑप्शन है वो अबाउट का है, मतलब आप अगर कंपनी के बारे में इन डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप यहां से उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि इनका सीईओ कौन है, कंपनी कब फॉर्म हुई थी और इनका सिंबल वगैरह क्या है। अगला ऑप्शन है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का, जो आपको ये बताता है कि जो कंपनी है उसमें कितना ज़्यादा भरोसा लोग दिखाते हैं। तो अगर हम बात करें इस केस में, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 54.61% की इसमें होल्डिंग पे हैं, यानी कि बाहर के म्यूचुअल फंड हो गया, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, वो अपना पैसा यहाँ पे इस स्टॉक में लगा रहे हैं। रिटेल एंड अदर, मतलब आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स इसमें अपना जो पैसा है वो लगा रहे हैं, विच इन दिस केस 38.08% है। म्यूचुअल फंड्स इसमें जो उनकी होल्डिंग है 6.40% की है। अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगाया है, वो सब चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल हो गया, SBI हो गया, ICICI प्रूडेंशियल हो गया, बंधन हो गया। अच्छा, इसके नीचे आपको सिमिलर स्टॉक्स का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि जो जोमैटो है वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, रेस्टोरेंट्स के सेक्टर से बिलोंग करता है। तो अब रेस्टोरेंट सेक्टर से मिलते जुलते जो भी स्टॉक्स होंगे वो नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जुबिलेंट फूड वर्क्स हो गया, जिनका डोमिनोज पिज्जा भी आता है, दिव्यानी इंटरनेशनल हो गई। तो इस तरह की सारी कंपनीज जो रेस्टोरेंट से बिलोंग करती है उनकी जो पूरी लिस्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, फर्ज करें कि आपको जो स्टॉक है वो पसंद आ गया है, तो सिंपली आपको बाय क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, डिलीवरी या इंट्राडे। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि अगर आप एक दिन से ज्यादा के टाइम के लिए किसी भी स्टॉक को होल्ड करते हैं उसे डिलीवरी कहते हैं, यानी कि आप लंबा इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं 5 साल 10 साल 15 साल, तो आप डिलीवरी के सेक्शन में जाएंगे। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिनको सेम डे खरीद के प्रॉफिट बुक करके उस स्टॉक को बेच के निकलना है, तो आप इंट्राडे में जाएंगे। अब यहाँ पे क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है कि आप कितनी क्वांटिटी शेयर की खरीदना चाहते हैं, विच इन माई केस मैं यहाँ पे सिंपल एक क्वांटिटी डाल दूंगा। इसके साइड में NSE लिखा है, NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसी के साथ ही अगर मुझे BSE पे जाना होगा तो यहाँ पे टैप करूंगा मैं सिंपली, और यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आ जाएगा। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसमें जा सकते हैं, या तो NSE में या BSE में। इसके नीचे प्राइस लिमिट पूछ रहा है, प्राइस लिमिट का मतलब है कि अगर आप मोल भाव करना चाहते हैं, भाई जैसे आप सब्जी वाले से मोल भाव करते हैं ना कि नहीं ये 40 रुपए में नहीं खरीदूंगा, मैं तो 35 रुपए में खरीदूंगा, उसी तरह से आप स्टॉक को खरीदते हुए भी मोल भाव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जैसे कि ये 74 रुपए है, अगर आपको लगता है कि 70 रुपए मुझे खरीदना चाहिए, मैं तो 70 रुपए पे ही खरीदूंगा, तो आप 70 रुपए यहाँ पे डाल सकते हैं। अब उस दिन पे जैसे ही आपका जो 70 रुपए का प्राइस हिट होगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, जैसे कि आप जिस भाव पे वो बिक रहा है उसी भाव पे खरीदना चाहते हैं, उसे मार्केट ऑर्डर कहते हैं, तो सिंपली आपको मार्केट ऑर्डर पे टैप करना है एंड आपका मार्केट ऑर्डर लग जाएगा। तो यहां से आप सिंपल बाय पे क्लिक कर सकते हैं एंड बाय ऑर्डर रिक्वेस्टेड। अब ये जो शेयर है वो कहाँ दिखाई देगा, ये आपके डैशबोर्ड में दिखाई देगा। यहाँ पे आए आप डैशबोर्ड में और यहाँ पे वो जोमैटो का जो शेयर मैंने आपको खरीद के दिखाया वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी आप शेयर्स को खरीदेंगे वो सारे के सारे शेयर्स यहाँ पे इस डैशबोर्ड में आपको दिखेंगे। अब फर्ज करें कि आपको कोई भी शेयर को बेचना है, तो वो कैसे करेंगे आप, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। सिंपली आपको अपने डैशबोर्ड पे आना है और जो भी शेयर आपको बेचना है उस पे आपको टैप करना है। विच इन माई केस मैं एक सिम्फनी का जो शेयर है आपको बेच के दिखा देता हूँ। सेल पे क्लिक करना है आपको एंड यहाँ पे आपको अपना क्वांटिटी डालनी है, मतलब आपको उस स्टॉक की कितने शेयर्स बेचने हैं, एक बेचना है, दो बेचना है, जितने भी आप मर्जी हो वो आप बेच सकते हैं। विच इन माई केस मैं एक डाल देता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप लिमिट भी लगा सकते हैं, मतलब अगर आप चाहें कि मैं इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे ही बेचना चाहता हूँ, तो आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं यहाँ पे। रिमेम्बर, जैसे हमने खरीदते वक्त भी ये लिमिट ऑर्डर के बारे में मैंने बताया था, वैसे आप बेचते वक्त भी लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। या फिर
आप मार्केट के भाव पे जो भाव चल रहा है उस स्टॉक का आज के दिन पे, उस पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एंड सिंपली वेरीफाई सेल पे क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने कोई भी शेयर बेच दिया, अब उससे आने वाला जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा बल्कि आपके ग्रो ऐप के माई वॉलेट सेक्शन में आएगा। अगर आपको अपने ग्रो ऐप से अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना है, वो कैसे करेंगे आप? सिंपली आपको अपने प्रोफाइल पे आ जाना है। यहाँ पे आप आ गए, अब आपको ग्रो बैलेंस जितना भी अवेलेबल होगा वो आपको शो अप करेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे टैप करना है ऐड मनी वाले ऑप्शन पे अगेन, एंड नीचे की तरफ देखेंगे कि विड्रॉ का एक ऑप्शन आ रहा है। आपको सिंपली जितने भी पैसे आपको निकालने हैं वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि 80% तो एकदम से पैसा आ जाता है शेयर्स को बेचने के बाद, लेकिन 20% आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो घबराइएगा मत, 100% आपका अमाउंट वापस आएगा आपके ग्रो वॉलेट में। अब बात करते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की, कि भाई म्यूचुअल फंड्स में मुझे इन्वेस्टिंग करनी है तो वो कैसे मैं करूं? आपको अगेन बहुत ही सिंपली तरह से मैं बताता हूं। यहां पे जैसे कि आप आ गए एक्सप्लोर के सेक्शन में, जो कि मेन विंडो है आपके ग्रो ऐप की, यहां पे सबसे पहले आपको एक स्टॉक का ऑप्शन देखने को मिल रहा था और अभी तक हम इसी ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे थे। इसके बगल में एक म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन है, सिंपली आपको टैप करना है। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, आपको जो भी म्यूचुअल फंड पसंद आता है सिंपली आपको उस पर टैप करना है, और जो प्रोसेस रहेगा वो बहुत ज्यादा सिंपल रहेगा और सेम रहेगा जैसे कि हमने शेयर्स को खरीदा था। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि जैसे क्वांट स्मॉल कैप ग्रोथ प्लान है ये, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इसने कैसे पास में परफॉर्म किया है। इसमें डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। नीचे की तरफ वन टाइम है और स्टार्ट SIP है। अब वन टाइम क्या होता है भाई? अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास देखिए 50,000 रुपए पड़ा है तो मैं एक साथ किसी से म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता हूँ, तो डेट्स कॉल्ड वन टाइम, या लमसम अमाउंट पड़ा है तो उसे एक साथ लगा देने को, उस प्रोसेस को हम लमसम इन्वेस्टिंग कहते हैं। इसी के साथ ही स्टार्ट SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो चाहते हैं कि मैं हर महीने 500 रुपए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं और इस पर्टिकुलर डेट को करूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको टैप करना है और सिंपल आपको वो अमाउंट भर देना है जैसे कि 500 रुपए, और आप चाहते हैं कि भाई मैं 21 तारीख को, हर महीने की 21 तारीख को 500 रुपए जो है वो कट जाए, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और नॉर्मल यहाँ पे नीचे आके स्टार्ट SIP पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपके हर महीने 21 तारीख को 500 रुपए आपके बैंक अकाउंट से कट जाएंगे और इस म्यूचुअल फंड में लगना शुरू हो जाएंगे। तो एक इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि वन टाइम, यानी कि आप चाहते हैं कि एक बार में मैं पे कर दूं इसको, तो आप यहां से जितना भी अमाउंट आप पे करना चाहते हैं जैसे कि 5,000, 10,000 जो भी अमाउंट है, वो डायरेक्टली आप यहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बड़ा ही सिंपल है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बड़ा ही सिंपल है। आई होप आपको हर एक चीज समझ में आई हो। तो अगर आपको सीखने को मिला है दोस्तों, तो प्लीज थोड़ा सा प्यार दिखाई इस चैनल पे, मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूं। डू जॉइन द कम्युनिटी, इट्स फ्री टू जॉइन। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।